चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मौत की शहनाई अच्छी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठाकुर धर्मपाल सिंह की हवेली दुल्हन की बाती सजी हुई थी। वर्षों बाद उनके घर में शहनाई बज रही थी। आज उनकी पोती निर्मला का विवाह था। स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बलदेव राज जी, पिताजी, बेटा, बारातियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप चिंता न करें पिताजी। तभी बारात आ गई। चलो भैया, चलकर स्वागत करते हैं। पता नहीं आज मेरा दिल फिर क्यों घबरा रहा है। कुछ ही पलों बाद बारात हवेली के दरवाजे पर आ पहुंची। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाओ। तुरंत ही दुल्हन बनी निर्मला को वहां लाया गया। शर्मा मत सखी, चल जल्दी से दूल्हे के गले में माला डाल। निर्मला ने कांपते हाथों से वरमाला दूल्हे के गले में डाल दी। उसी क्षण गुर्र, अचानक निर्मला के हाथ दूल्हे की गर्दन से जकड़ गए। अरे यह क्या कर रही है? उसके मुंह से निकले शब्दों में जैसे भैंसा रंभा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। कू तुझे निर्मला से शादी करने का दंड भुगतना ही होगा। वो इस तरह तो यह भैया को मार डालेगी। उफ, यह क्या हुआ निर्मला को? दूसरे क्षण दूल्हे के छोटे भाई ने अपने कंधे की एक तेज टक्कर निर्मला को दे मारी। पीछे हट, ठाक ई, उफ, बच गया थप। लेकिन अगले पल बला की फुर्ती से उठकर निर्मला ने दूल्हे के छोटे भाई को पकड़ लिया। अब पहले मैं तेरा ही काम तमाम करूंगी। हाँ, तभी मान से तलवार खींच ली दूल्हे ने। अभी इस मनुष्य की अकल दुरुस्त करता हूँ। वो ये तो निर्मला को मार डालेगा। दूसरे क्षण देव सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। इसके हाथ से तलवार को गिराना होगा। फिर गोली चली और ठीक उसी क्षण धाएं ओ हर हाई पछाक। ओ यह क्या हो गया बेटे रणवीर? अगले पल ठाकुर विषम प्रताप के कंधे पर लटकी राइफल उनके हाथ में आ गई। तूने मेरे बेटे की हत्या की, मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं लेकिन देव सिंह की बात पूरी होने से पहले ही राइफल से चली गोली देव सिंह के सीने में प्रवेश हो गई। आ धाए, ठाकुर विषम प्रताप सिंह, तूने यह अच्छा नहीं किया। इधर निर्मला के शिकंजे में फंसा दूल्हे का छोटा भाई। मैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, तुझे छोड़ दूंगा तो फिर खून किसका पीऊंगा? अगले क्षण निर्मला ने अपने दांत गड़ा दिए उसके गर्दन पर। आई आह, मीठा मीठा खून। फिर खून चूसने के बाद, अरे बाप रे, यह तो प्रेतनी है, भागो। हाँ, और तुरंत ही वहां भगदड़ मच गई। भागो भागो। हाँ, मैंने कहा था ना ठाकुर धर्मपाल, इस घर में न कभी शहनाई बजेगी और न किसी की डोली उठेगी, लेकिन तुम नहीं माने, भुगतो इसका फल। हाँ, कहते कहते निर्मला की आंखों में चिंगारियां सी फूटने लगी। कड़ गुर, इसी के साथ जैसे गजब हुआ, घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। है, अरे बाप रे, लेकिन भागते मेहमान इस मुसीबत से आसानी से छुटकारा नहीं पा सके। हाय उफ, हाँ, देख ठाकुर धर्मपाल, अपने मेहमान और बारातियों का हाल देख, बचाओ। कहीं निर्मला में गोविंद की आत्मा तो नहीं आ गई? सब जान बचाकर किसी तरह गिरते पड़ते वहां से भाग गए और कुछ देर पहले खुशियों के रंग में रंगी हवेली वीरान हो गई। हाँ, देख ठाकुर, अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख। हाँ, उफ, निर्मला तो क्षण प्रतिक्षण भयंकर होती जा रही है, इसे कैसे रोका जाए? यह पीतल का भारी घड़ा कुछ काम आ सकता है। इस पागल लड़की को रोको बलदेव, वरना यह सब सर्वनाश कर देगी। अगले ही पल आई परिणाम स्वरूप भगवान का शुक्र आसानी से बेहोश हो गई। आज आपको बताना ही होगा पिताजी, आखिर क्या गुनाह किया है हमने? फिर बाद में, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि अपनी हवेली में शहनाई नहीं बज सकती, मगर तुम नहीं माने। आज आपको बताना ही होगा पिताजी, आखिर क्या गुनाह किया हमने जो अपनी हवेली में शहनाई नहीं बज सकती? जानना ही चाहते हो तो सुनो। वर्षों पहले हमने एक गरीब लड़की से प्यार करने का गुनाह किया था। कहते कहते धर्मपाल की आंखों के सामने अपनी युवावस्था के दिन ताजे होकर घूमते चले गए, क्योंकि हमने उसे महलों के सपने दिखाए थे। तुम सच कह रहे हो धर्म, आ पारो, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुम ही से, और कल ही तुम्हारे भाई से बात करने जाऊंगा। वो धर्म, तुम कितने अच्छे हो। और अगले दिन जब मैंने पारो के घर जाकर उसके भाई गोविंद से बात की, यह आप क्या कह रहे ठाकुर साहब, भला कहाँ आप और कहाँ हम,
गरीब लोग यह मैं यहाँ मेरी गरीबी के बीच की दीवार को गिराने आया हूँ गोविंद। तुम्हें पारो और हमारी खुशी की खातिर इस रिश्ते को मंजूर करना ही होगा। नए नए बड़े ठाकुर को पता चलेगा तो वे हमारी बोटी बोटी नुचवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा गोविंद, मुझ पर विश्वास करो। एक बार फिर सोच लीजिए ठाकुर साहब, कहीं अमीरी की चार दीवारी से निकली आग गरीबी के गुलशन को भरने का भी मौका न दे। मैं अपने प्यार के माध्यम से अपने और पारों के बीच आने वाली हर आग को बुझा दूंगा गोविंद, बस तुम हाँ कह दो। ठीक है ठाकुर, मुझे तो बस पारों की खुशी चाहिए। और जब मैं वहां से चलने को हुआ, एक बार फिर सोच लेना ठाकुर, यदि यदि बड़े ठाकुर का कहर हम पर बरसा तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई ना होगा। चिंता मत करो गोविंद, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन जब हमने हवेली वापस लौटकर अपने पिताजी से बात की, नहीं हम मखमल में टाट का पैंद नहीं लगा सकते। लेकिन पिताजी, चुप रहो, जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें इस समय आराम की सख्त जरूरत है। फिर उसी रात समझ गए मैंने क्या कहा है। जी ठाकुर साहब, आज न वह ग्वालन बचेगी और न उसका भाई। आज न वह ग्वालन बचेगी न उसका भाई। ओ साबा, जाओ अपना काम शुरू करो। जो आज्ञा मालिक। मैं सुन रह गया यह बातें सुनकर। ओ पारो और उसके भाई को खत्म करना चाहते हैं पिताजी। मैं तेजी से दरवाजे तक पहुंचा और चौंक पड़ा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो दरवाजा तो बाहर से बंद है, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता। मैं इसे तोड़कर निकल जाऊंगा। जल्दी मैंने उस मजबूत दरवाजे को तोड़ डाला। फिर मैं तीर की तरह हवेली से बाहर आकर अपने घोड़े पर सवार होकर पारो के घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, वहां कहीं कोई अनर्थ न हो गया हो। मैं काफी जल्दी पारो के घर पहुंचा था, लेकिन तब तक अनर्थ हो चुका था। ओ नहीं, मैं तेजी से आग में जा घुसा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पारो जलकर राख हो चुकी थी। नहीं पारो, यह सब क्या हो गया। तभी गोविंद की करा मेरे कानों में पड़ी। ओ वह अभी बच सकता है। मैं तुरंत ही गोविंद को उठाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर पहुंचकर, ठाकुर धर्मपाल, तू मेरे घर में सहनाई बजवाना चाहता था न। देख देख कितनी मधुर सहनाई बज रही है यहाँ। धीरज रखो गोविंद, तुम बच जाओगे। खामोश कमीने, तेरी जिद के कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी प्यारी बहन पारो मुझसे बिछुड़ गई। मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ ठाकुर, लेकिन तू भी कान खोलकर एक बात सुन ले। आज के बाद तेरी हवेली में कभी सहनाई नहीं बजेगी। अगर तूने ऐसी कोशिश की तो वह सहनाई मौत की सहनाई बन जाएगी। किसी बहन बेटे की डोली नहीं उठेगी तेरी हवेली से। इतना कहकर उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। मैं भारी मन से हवेली लौट आया। एक वर्ष पश्चात पिताजी अपने एक मित्र की लड़की से मेरा विवाह करने के कुछ दिन पश्चात स्वर्ग सिधार गए। और तुम्हारी बुआ यानी मेरी बहन की विवाह की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। कुछ दिनों बाद मैंने एक अच्छे खानदान का लड़का देखकर उसका विवाह तय कर दिया। हमें यह रिश्ता मंजूर है ठाकुर धर्मपाल, बारात ठीक समय पर पहुंच जाएगी। हम स्वागत के लिए तैयार रहेंगे राय साहब। रूपा के विवाह वाले दिन भी यह हवेली आज की तरह ही सजी हुई थी। बारात की सभी तैयारियां तो पूरी है ना धर्म बेटा। हाँ माँ, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है मैंने अपनी बहन की शादी में। फिर कुछ देर बाद बारात भी आ पहुंची। अभी हम सब बारात के स्वागत वगैरह में ही लगे हुए थे कि अचानक आई। अरे यह क्या हुआ, भागो। क्या हुआ भाई, यह भगदड़ क्यों मच गई। उधर एक विशाल सर्प एक औरत के लिपटा हुआ है। मैं उधर दौड़ा, यहाँ सांप कहाँ से आ गया। उस तरफ पहुंचने पर, हे भगवान इतना भयंकर सांप। अरे कोई मेरी पत्नी को बचाओ रे, आई बचाओ। फिर जो दृश्य हमारी आंखों के सामने आया, उसने हम सबको जड़ कर दिया। उफ, ये तो मोम की तरह पिघल रही है, हे भगवान। देखते देखते वह स्त्री कंकाल में बदल गई। ठीक तभी मच गया एक और शोर, सांप बिच्छू आई। उफ, ये जंतु तो आसमान से गिर रहे हैं। सभी मेहमान और बाराती भी तो वहां से भाग खड़े हुए। बचाओ, आई भागो। ओ अभी मैं आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रहा था कि ठाकुर साहब जल्दी चलिए, रूपा बीबी भयंकर रूप से तड़प रही है। ओ मैं तीर से छूटे कमान की तरह भीतर भागा और जब रूपा के कमरे में पहुंचा, आई उफ क्या हुआ इसे, इस तरह क्यों तड़प रही है ये। हमें कुछ पता नहीं ठाकुर साहब, जाओ वैद्य को बुलाओ, जल्दी करो। लेकिन इससे पहले कि कोई वैद्य को बुलाने जाता,
वो रूपा के मुंह में से चमगादड़ जैसी आवाज निकल रही है। क्रिया रूपा होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? तभी अचानक क्रिया चाक ओ ये हमारे देखते देखते खून से बहा चमगादड़ खिड़की की ओर उड़ा, क्रिया और बाहर निकला, हवा में विलीन हो गया। और तब मेरे मस्तिष्क में गूंज रहे थे गोविंद के वे शब्द, ठाकुर राज के बाद तेरे वेली में बजने वाली सेनाई को मैं मौत की सेना में बदल डालूंगा, किसी बहन बेटे की डोली नहीं उठेगी तेरी हवेली से। उसके बाद जब निर्मला ने जन्म लिया तो मैं यह सोच वैसे सिर उठा था कि निर्मला की डोली उठने के दिन भी कई अर्थिया साथ ही उठेंगी, तो यह प्रतिशोध हमसे गोविंद की आत्मा ही ले रही है। हाँ, निर्मला के मुंह से निकलने वाली उसकी आवाज को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया था। सारी बात सुनकर निर्मला की माँ ठकुरायन रमादेवी करुण स्वर में कह उठी, हाँ काश निर्मला पैदा ही नहीं होती, या फिर पैदा होते ही मर जाती तो आज यह अनर्थ देखने को न मिलता। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ, ठाकुर विषम प्रताप से अब हमारी जीवन भर की दुश्मनी हो जाएगी। पिताजी, क्या अब निर्मला उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी? हाँ, अब इसका विवाह करने की मूर्खता करने का मतलब होगा लाशों के ओर ढेर लगाना। चलो चलकर मरने वालों की लाशें उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं जी। फिर सब उठकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। हे भगवान, ये लड़की तो काल बनकर पैदा हुई है हमारे घर में। अब हवेली के हाल में अकेली रह गई थी निर्मला। हाँ, क्या मैं इतनी मनुष्य हूँ कि मेरे माता पिता भी मुझसे नफरत करने लगे? यंत्र चालीस से उठी निर्मला और चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई। धिक्कार है मेरे जीवन पर। एक ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ती निर्मला के मस्तिष्क में वे शब्द तूफान उठाए दे रहे थे। हे भगवान, ये लड़की तो काल बनकर पैदा हुई है हमारे लिए, जब पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। मम्मी पापा समझ रहे थे कि मैं बेहोश हूँ, लेकिन मैं होश में आकर सब सुन रही थी। मुझ मनुष्य को अपने परिवार की भलाई के लिए मर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि निर्मला का शरीर हवा में लहरा पाता। कुछ देर बाद वह पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंची। यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगी मैं, लेकिन इससे पहले कि निर्मला का शरीर हवा में लहरा पाता। रुक जाओ नादान लड़की, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, तड़ाक होश में आओ। हाँ, तो तुमने मुझे मारा। लेकिन फिर जैसे निर्मला की दृष्टि मारने वाले पर पड़ी, अरे अरे संदीप, तुम निर्मला, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारी शादी में सम्मिलित होने तुम्हारे घर जा रहा था। यहीं पास में गाड़ी खराब हो गई, ठीक कर रहा था कि तुम पर नजर पड़ी। यह लड़की इतनी रात गए पहाड़ पर क्यों चढ़ रही है? कहीं फिर यह सोचकर कि कहीं तुम्हारा खुद खुशी का इरादा तो नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया। लेकिन शादी का मंडप छोड़कर तुम यहाँ यह मूर्खता करने क्यों जा रही थी? मैं मनुष्य संदीप बूहू, तुमने मुझ मनुष्य को बचा कर अच्छा नहीं किया बूहू। आंसू ही बहाती रहोगी या कुछ बताओगे भी? सारी बात सुनकर तुम्हारी परेशानी गंभीर जरूर है निर्मला, लेकिन उसका हल आत्महत्या नहीं। चलो मेरे साथ, तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल अवश्य निकल जाएगा। सुबुक, अरे बाबा चलो ना। सिगरी सुबुक। कुछ देर बाद संदीप ने कार शहर से बाहर बने एक शमशान घाट के सामने रोक दी। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी समस्या हल करवाने के लिए तुम्हें अपने कुलगुरु शंकरानंद जी की कुटिया में ले जा रहा हूँ। कुलगुरु शंकरानंद जी की कुटिया में पहुंचकर प्रणाम गुरुदेव, कहो कैसे आना हुआ संदीप, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? बिना देखे इन्हें मेरी उपस्थिति का कैसे बोध हो गया? यह मेरे कॉलेज की सहपाठी निर्मला है गुरुदेव, इसी के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। बैठो और मुझे इसकी समस्या बताओ। तब संदीप ने सारी बात गुरु शंकरानंद जी को बता दी, जिसे सुनकर हम बड़ी गंभीर समस्या इस लड़के की, लेकिन चिंता मत करो, हमारे होते कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। सुनो बेटी, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा उस दुष्ट प्रेतात्मा से, अब हम निपटेंगे। लेकिन अब मेरा विवाह होना असंभव है गुरुदेव, मेरी मनुष्यत की कहानी अब तक हर जगह फैल चुकी होगी। ऐसी हालत में कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा। चुप्पी छा गई वहां निर्मला की बात सुनकर, जिसे तोड़ा संदीप की दृढ़ आवाज ने, मैं करूंगा तुमसे विवाह। क्या? लगभग उछली पड़ी थी संदीप की बात सुनकर निर्मला। सब कुछ जानकर भी तो तुम मुझसे विवाह करोगे?
हाँ अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो। फिर निर्मला कुछ न बोली, अपना सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी। फिर निर्मला को लेकर जब संदीप हवेली पहुंचा तो उसकी शादी की बात सुनकर जैसे वहां तूफान सा गया। तो तू शादी करना चाहती है? हाँ, यह सब जानते हुए भी कि हमारे परिवार की लड़की की शादी होने का मतलब है हम सब की मौत। आप किसी बात की चिंता न करें, अब न हम लोगों को कुछ होगा और न ही आपको है। ओ जाओ संदीप, ठीक 2 दिन बाद बारात लेकर यहाँ पहुंच जाना, मैं तुम्हें दुल्हन बनी मिलूंगी। ठीक है, कहकर संदीप वापस लौट गया। उफ, यह लड़की हम सबको मरवाएगी। ठीक 2 दिन बाद आओ, हम भी देखें कहाँ जा रही है यह बारात। खड़ा रहे बेवकूफ, यह बारात ठाकुर के घर जा रही है। पी धम धम है ठाकुर के घर, फिर तो यह बारात वहां से वापस नहीं लौटेगी। कुछ देर बाद बारात ठाकुर की हवेली पहुंची। और इधर ठाकुर के घर आज फिर सेनाया बज रही है, लेकिन मैं वहां से उसकी लड़की की डोली हरगिज नहीं उठने दूंगा। हा, आओ साथियों। इधर ओम विष्णु नमो ओम। तभी उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? आओ ओ दूसरे क्षण हुर गुर हिस, तुरंत ही गुर। और जब वहां मौजूद लोगों की निगाह उन पर पड़ी, संदीप वह देखो और नो, हे भगवान, लगता है मौत का परकाला गोविंद फिर यहाँ आ पहुंचा है। पिशाच आ गए, भागो। लोग सिर पर पैर रखकर भागे, भागो आई। जबकि अलग फाड़ कर चीखा संदीप, गुरुदेव उधर, गुरुदेव। तुरंत गुरु शंकरानंद की आंखें एक झटके के साथ खुल गई। वो अब नहीं बचेंगे हम। आई तभी फचाक फचाक अगले इस पल, मैंने कहा था ना बेटी, अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आहा गुरुदेव, तेरा रक्षक बनकर आया हूं मैं। तभी वहां एक आवाज और गूंजी, और मैं बनकर आया हूं तुम सब की मौत। कौन? वो तो यही है वह शैतान आत्मा। गोविंद, पकड़ लो उस साधु को, पहले हम उसी का कचूमर निकालेंगे। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। लो पहले इस बबूत का स्वाद चखो। अगले पल वह बबूत कई अग्निपुंजों में परिवर्तित हो गई। फिर आ पचाक आई पचाक। हा, तेरे साथियों को तो समाप्त कर दिया मैंने, अब तेरी बारी है दुष्ट। ले संभाल आत्म मृत्यु किरणें कड़ाक, और तू भी संभाल मेरी ठंडी मृत्यु को। उफ, यह तो बेहद शक्तिशाली आत्मा है। हा, अब तू मेरी मानसिक तरंगों से नहीं बच पाएगा। मानसिक तरंगों ने तुरंत आकर शंकरानंद को घेर लिया हो और विवश होकर रह गया वह। इसी पल का भरपूर फायदा उठाना चाह गोविंद की आत्मा ने। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। उफ, ये तो निर्मला और संदीप को मार डालेगा, और इन्हें बचाने का अब एक ही तरीका है। उधर गोविंद की आत्मा की आंखों से निकली घातक किरणें, और उधर ठाकुर धर्मपाल का शरीर हवा में लहराया, और अगले ही पल वह घटित हो गया जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी। पचाक आ दादाजी, ओ नहीं। नफरत की चिंगारियां निकल रही थी गोविंद की आंखों से। तूने इन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी ठाकुर, जबकि मैं तुझे तब तक जिंदा रखना चाहता था जब तक कि तेरा सारा परिवार तेरी आंखों के सामने न मार देता। खैर अब भी तेरे शरीर में प्राण शेष है, जब तक वह निकलेंगे मैं तेरी आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। कहकर गोविंद भयानक अंदाज में संदीप की ओर बढ़ा, पहले मैं इस दुसाहसी दूल्हे को खत्म करूंगा। तभी उनके बीच में आ गई निर्मला। ठहरो गोविंद ठहरो, संदीप को छूने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। है यह निर्मला के रूप में गोविंद को अपनी बहन पारो दिखाई दी थी। बहन पारो, तुम मत को अपनी गंदी जुबान से बहन। पारो यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा भाई गोविंद हूं जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। नहीं तुम झूठ बोलते हो, यदि तुम पारो को चाहते होते तो बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने से पहले यह अवश्य सोचते कि उनकी भी बहनें और बेटियां डोली में बैठने का इंतजार कर रही होंगी। उनके भाई और माता पिता ने भी अपनी बहन व बेटियों को शहनाई बजाकर डोली में विदा करने के कितने अरमान सजो रखे होंगे। लेकिन नहीं, न तो तुम्हें अपनी बहन से कभी प्यार था और न अब है। तुम्हें तो सिर्फ प्रतिशोध के बहाने लोगों का खून बहाने और चूसने से प्यार है। लानत है तुम जैसे भाई पर। थू पारो, मैं पारो नहीं दुष्ट बलिक ठाकुर धर्मपाल की पोती निर्मला हूं, जिनका वंश खत्म करने तू यहाँ आया है। ओ नहीं, गोविंद जैसे सोते से जागा। पापी पहले मेरा खून चूस। नहीं बहन ऐसा मत कह, मैं प्रतिशोध की आग में अंधा हो गया था।
मैं भूल गया था कि पारो की तरह मेरी और भी बहनें इस दुनिया में हैं, जिन्हें मुझे अपनी बहन की तरह विवाह करके डोली में बिठाना है। हे भगवान, यह मुझ पर कैसा पागलपन का दौरा पड़ गया है। मुझे क्षमा कर दे बहन, क्षमा कर दे। तेरे स्वरूप में आज मुझे अपनी बहन पारो दिखाई दी है। अतः मैं अपना प्रतिशोध यही खत्म करता हूँ और वादा करता हूँ भविष्य में फिर कभी ठाकुर धर्मपाल और उसके परिवार को नहीं सताऊंगा। आह, क्या सच गोविंद? हाँ बहन, माँ कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। अगले पल गोविंद की आकृति धुएं में परिवर्तित होती चली गई। तुम सदा खुश रहो बहन, मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। दूसरे पल वह धुआं बम की तरह सामने वाली दीवार से टकराया। ब्राह्म और आह, गोविंद की आत्मा चली गई। आह, उसने हम सबको माफ कर दिया। इसी के साथ साधु शंकरानंद भी गोविंद की मानस तरंगों से मुक्त हो गए थे। हाँ मेरी बेटी, मेरे गले से लग जा, आज तेरी वजह से हम सब की जान बच गई माँ। फिर ठाकुर धर्मपाल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काफी संघर्ष के पश्चात उनके प्राण बचा लिए। दादाजी, मेरी बच्ची। कुछ माह बाद एक शुभ मुहूर्त में ठाकुर धर्मपाल की हवेली में सहनाई के मधुर संगीत के साथ मानो खुशियों की बहार आ गई थी। इसे देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा था, क्योंकि आज संदीप और निर्मला विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। और जब सहनाई के मध्य निर्मला की डोली विदा हुई तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। स्वयं ऊपर से देखते गोविंद की आत्मा की आंखों में भी आंसू थे। सुखी रहो बहन, ईश्वर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन दुनिया भर की खुशियों से भर दे। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना।